हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, बच्चों आजकल जो एग्ज़ाम में जो है ना बच्चों, गुणनखंड के सवाल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं जो हमारे संख्या पद्धति में होते हैं। और बच्चों इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इन सवालों को आज हम देखेंगे किस तरह से इन सवालों को हम करेंगे। तो बच्चों आज आप लोगों को मैं इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा सवाल, इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा बच्चों, बहुत ही गजब तरीके से। तो बच्चों वीडियो में जो है ना लास्ट तक रहिए, और जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना मैं पहला सवाल जो दिया हुआ है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे कहा कि 240 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अब बच्चों देखो, 240 के गुणनखंड की जो संख्या होगी वो कैसे होगी। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 240 के क्या कर लोगे, फैक्टर कर लोगे। क्या कर लोगे 240 के, क्या कर लोगे बच्चों, फैक्टर करोगे। जब 240 के 2 से फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसे फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसे 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 5। तो अब हम बच्चों यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 की पावर कितनी बन रही है, 1, 2, 3, 4। तो 2 के 4 मतलब कि 2 की पावर कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद गुना 3 की पावर 1 आ गई बच्चों। फिर उसके बाद कितना, 5 की पावर 1। अब उसने पूछा क्या है कि गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो गुणनखंड की संख्या हमेशा याद रखना बच्चों, जो गुणनखंड की संख्या होती है, जो भी हमारी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं हम। तो पावर में जब इसमें एक जोड़ेंगे बच्चों, हम जब यहाँ पर एक जोड़ेंगे हम बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, हमारा यहाँ पर 4 हो गया ना ये, तो 4 एक जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, तो कितना हो गया, 5 हो गया। गुना 1 में 1 जोड़ दो, 2 आ गया, तो 2 हो गया। 1 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 2 आ गया। तो जब इसके हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 20। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। देखो बच्चों ऑप्शन में 20 कहीं दिया हुआ है, तो 20 इज़ द बी इज़ द राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस सवाल में, इस सवाल में किसी बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है ना। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे दिक्कत आए तो बच्चों मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना बच्चों। और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखिए सभी बच्चे देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि 1728 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, 1728 के जब हम जो है ना बच्चों क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 से जब इसे फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना हो गया, 2 × 2 = 2, 2 + 2 = 2, ठीक है बच्चों। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 2 और 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, ठीक है ना बच्चों। फिर 2 से करेंगे इसे कितना, 2 × 2 = 0, 2 × 8 = 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा ना। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, वो सॉरी 3 से करेंगे तो 3 × 9 और फिर कितना, 3 से करेंगे 3। तो हम बच्चों यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 की पावर कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, ठीक है ना। फिर 3 × 3 के कितने, 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पर गुणनखंड पूछ रहा ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमें यहाँ पर पावर दी हुई है उस पावर में एक जोड़ दो, तो 6 × 1 कितना आ गया, 7 आ गया। और इस पावर में एक जोड़ देंगे, 3 × 1 = 4 आ गया, तो 7 × 4 कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया ना, कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। तो देखो ऑप्शन में कहीं 28 दिया हुआ है, तो बी सी इज़ द राइट आंसर। तो किसी बच्चे को इस सवाल में कोई दिक्कत, तो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट जरूर करें, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो जो है ना बच्चों मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो इस सवाल में कहीं दिक्कत तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी गुणनखंड हमें निकालने हो तो इसी तरह से हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है, तो उसकी उतनी बार गुना लिख देंगे। तो जो भी पावर होगी उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे,
एक जोड़ कर गुना कर देंगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों इस सवाल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर हम। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है कि 900 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सेम वही कंडीशन ना बच्चों, तो वही कंडीशन, अगर हम यहाँ पर 900 के फैक्टर करते हैं बच्चों, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 450, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया बच्चों, वो 225 हो गया। फिर उसके बाद में इस हम जो ना 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से कितना, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 3 और 9। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा कि 2 की पावर तो होगी बच्चों 2, ठीक है ना। 2 की पावर कितनी होगी मेरे बच्चों, 2 होगी। फिर जो है ना 5 की पावर कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। फिर हमने यहाँ देखा कि 3 की पावर कितना होगी, यहाँ पर 2 हो गई। तो हमने क्या बताया आप लोगों को अभी कि बच्चों जो भी पावर होती है उसमें 1 जोड़ दो और गुना कर दो। तो यहाँ पर जो है ना पावर कितनी है 2, तो 1 जोड़ देंगे कितना होगा 3, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो 2 जो 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर कितने है बच्चे 2, तो 3 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया बच्चों, ये 3 9 9 27। तो देखो बच्चों 27 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, 27 देखिए बच्चों कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। तो 27D आंसर आ गया बच्चों। तो किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें जल्दी से बताएंगे बच्चों, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, सभी कमेंट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत। आगे चलते हैं तो बच्चों, चलो आगे चलते हैं बच्चों हम इसमें। आगे देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों आगे दिया हुआ है यहाँ पर जो कहा है कि 24 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब देखो बच्चों जैसे कि 24 के सम गुणनखंड है, अब यहाँ पर बच्चों देखो 24 को हम जो 24 के जो फैक्टर करेंगे बच्चों वो किस किस से होंगे। 24 से जब 2 को भाग करेंगे तो कितना आ गया 12, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया यहाँ पर 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3। फिर इसे 3 से करेंगे तो 3 1 आ गया ना। अब यहाँ पर जब हम 24 के फैक्टर हमने बच्चों 24 के जब 24 के हमने फैक्टर किए तो 24 जो है ना 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और बच्चों हमारा वो किससे 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा और कितने से कटेगा बच्चों वो 24 से कटेगा। अब उसने बात करी है किसकी बच्चों, यहाँ पर सम गुणनखंड की। तो सम गुणनखंड कितने होंगे बच्चों यहाँ पर, तो देखो सभी बच्चे, तो सम गुणनखंड बच्चों देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 ये 5। तो बच्चों ये कितने बैठ गए हमारे यहाँ पर, 5 बैठ गए ना। तो 5 तो ऑप्शन में है नहीं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों 1 से डिवाइड होगा 3, 2 से होगा 3 से, 4 से और 6 से, 12 से और 24 से। तो अब यहाँ पर जो गुणनखंड की संख्या, जो हमारी सम गुणनखंडों की संख्या, तो कितनी होगी बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना बच्चों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 5। तो यहाँ पर बच्चों, तो बच्चों अब जो है ना बच्चों यहाँ पर जितने भी गुणनखंड के जितने भी सवाल हुए हैं, तो इन सवालों को बच्चों अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों यहाँ से अब आगे जो है ना मैं आपको जो है ना सम गुणनखंड वाले सवाल कराऊंगा, फिर इसके बाद में विषम गुणनखंड वाले सवाल कराऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।